राज जी की मय में बदलने के लिए वाणी का चिंतन और चितवन दो ही वाणी का चिंतन करेंगे तो आपको सत्य विदित होगा। एकांगी विकास अधूरा होता है, एक साइकिल के दोनों पहिए, आगे का पहिया निकाल दीजिए या पीछे का निकाल दीजिए तो साइकिल नहीं चलेगी। आप दिन रात केवल वाणी पढ़ेंगे, चितवनी नहीं करेंगे तो आपका हृदय रुस्क हो जाएगा, और आप वाणी नहीं पढ़ेंगे, दिन रात के चितवनी में बैठे रहेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप अंधविश्वासी बन सकते, रूढ़िवादी बन सकते। कैसे? चितवनी करने वालों में संभव नहीं है कि सभी परमांश बन जाए, सभी उस स्तर के बन जाए। कुछ सुंदरसान चितवनी से शक्तियां प्राप्त कर लेंगे, उनके तन से चमत्कार होने लगेंगे, तो परिणाम क्या होगा? हर कोई महामती तो बन नहीं सकता। आपके तन से कोई चमत्कार हो गया और 10 लोगों ने देख लिया तो 10 ने तो आपको राज्य बना दिया, आपकी सेवा करने लगे, और आपके भी मन में आ गया कि सदगुरु देखो मेरे तन से ऐसा चमत्कार हुआ, मैं तो राजी हूँ, तो आपकी उन्नति का रास्ता रुक जाएगा। किंतु यदि आपने वाणी का चिंतन किया है तो एक चमत्कार के बदले 100 चमत्कार भी आपके तन से हो जाएगा, तो क्या सोचेंगे कि करने वाले सब राजी हैं, मेरा कुछ नहीं। इसलिए ज्ञान का प्राण क्या है? प्रेम। इष्ट का प्राण इल्म, और इल्म का प्राण दोनों एक दूसरे के आसपास है। इष्ट और इल्म दोनों में और प्रोढ़ है, दोनों की आवश्यकता है, वाणी के चिंतन भी चाहिए और चितवनी भी चाहिए। एक और चीज ध्यान में देने वाली चीज है, जो सुंदर साथ वाणी के चिंतन में रहते हैं, चितवनी में रहते हैं, उनको थोड़ी बहुत शारीरिक सेवा भी करनी चाहिए। चितवनी वाले सोच लेते हैं कि हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, प्रकृति ने हमारे दांतों को कठोर बनाया है, जीवा को कोमल बनाया है। दांत कोमल हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, जीवा कठोर हो जाएगी तो काम नहीं चलेगा। इसे आप इतने सुंदर साथ हैं, अभी आप थोड़ी देर के बाद भोजन के लिए जाएंगे, भोजन में बनाने वाले भी तो कुछ हैं। यदि वो भोजन नहीं बनाए तो आप कल से कक्षा में कैसे बैठ पाएंगे, क्योंकि आपको कोई भोजन देने वाला चाहिए। किसी भी मिशन में हर कोई थोड़ा थोड़ा सहयोग करता है तो कार्य बड़ा कार्य भी पूरा हो जाता है। हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सेवा की भावना का अभाव है। देखिए ब्रह्म ये राधा स्वामी मत में 3-3 महीने पहले सेवा बुक हो जाती है, और वो लोग सौभाग्य समझते हैं कि उनको सेवा मिली है, वो मांग मांग कर सिफारिश करनी पड़ती है वहाँ सेवा के लिए। हमें हमारे समाज में सेवा कराने के लिए सिफारिश करनी पड़ती है, क्योंकि सुंदर साहब में वो भावना नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, ध्यान में युक्त विहार आहार विहार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। युक्त आहार विहार से युक्त कर्म से चेष्टा, युक्त स्वप्न और बोध से योगो भवति दुःख। आप चितवनी करते हैं तो चितवनी करने से करने वाले को ज्यादा परिश्रम करना संभव नहीं है। मान लें कि यदि कोई 6 घंटा ध्यान करता है तो उसे कहते हैं कि आप फावड़े चलाओ, सिर पर टोकरे उठाओ, तो उसके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि शरीर कमजोर हो गया रहता है। हाँ, लेकिन हल्के जो शारीरिक कार्य है उसको अवश्य करना चाहिए, कुछ आसन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, या शारीरिक सब करना चाहिए। इससे क्या होता है, सबका योगदान होता है मिशन में। जैसे आपने किसी भी आश्रम में देखा होगा, रामायण महाभारत में देखा होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुरुकुल में पढ़ रहे हूँ, श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़ रहे हूँ, तो इनको भी लकड़ी काटने के लिए जाना पड़ता है, भिक्षा मांगने जाना पड़ता है, गायों की सेवा करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अकर्मण्यता न रहे। यदि आप ध्यान में बैठे हैं तो संभव नहीं कि 24 घंटा ध्यान करें, 4 घंटा आप सोएंगे, 2 घंटा नित्य क्रिया के लिए, 18 घंटे बैठें। 18 घंटे में भी संभव नहीं है कि आप 18 घंटे प्रतिदिन ध्यान करें। मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में कोई नियमित रूप से 12 घंटे भी ध्यान करता है। तो आपके पास 5-6 घंटे बचते हैं। यदि 1 घंटा आप ध्यान सेवा में लगा देंगे तो क्या होगा, आपके मन का अहम जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है। महान कौन बनता है? जो सबसे अधिक विनम्र,
ये जो पातशाही दिन की सुगरीबी से हो और स्वान सबरी बिना कभू न पा लो। योगेश्वर सिकट से बड़ा कोई महापुरुष नहीं था, युद्ध कैलाश थे, लेकिन जानते हैं उन्होंने क्या सेवा मांगी कि मैं याचिक ब्राह्मण के जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं उनके चरण मैं धोऊंगा और सबकी जूठी पत्ते मैं उठाऊंगा। जितने सुंदर साथियां बैठे हैं, आप तो परम धाम के ब्राह्मण ही, पानी भी खूब पड़े, चर्चा भी की है, सुनी है, जितनी भी की है, अपने आप में क्या कोई ऐसा सुंदर साथ है जो कहेगा कि मैं सबकी जूठी थाली उठाऊंगा? कोई नहीं उठाऊंगा। यहाँ तक कि अपनी भी थाली उठा करके धोने में भी कई जगह बहुत समस्या होती है कि हम क्यों जूठी थाली अपनी क्यों धोएंगे, खिसका दिया जाता है। ज्ञानपीठ के बच्चे भी खिसका देते हैं, बाहर वाले भी कब्ज से वो भी छोड़कर सोते हैं। सेवा भावना नहीं है। कारण क्या है कि यदि हम समझ जाए कि सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम गम्य, योगियों के लिए बोल भी बहुत कठिन है। कोई झाड़ू क्यों लगाए जिसे अभी तक का प्रसंग समझिए। छठ जी के वजीर हैं ना, मंत्री हैं देवकरण जी, उनको कोई कहता नहीं है। पूरे बंगला जी परिसर वेस्ट पर की सेवा में देखिए, बंगला जी परिसर में झाड़ू लगाते हैं देवकरण जी, दीवान देवकरण। अष्टपर की लीला में छह पहर तक में पहले पहर से लेकर छठे पहर तक में रात्रि के 12 बजे तक में महाराजा छत्रसाल जी का नाम होता है। राजकाज से जरा सी छुट्टी मिलती है, सेवा के लिए आ जाते हैं, किंतु एकांगी विकास कभी नहीं करना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सेवा करने वाले सोचे यदि हमें चितवनी नहीं करनी है, चर्चा नहीं सुननी है, तो ये गलत है। आमतौर पर क्या देखा जाता है, मैंने रतनपुरी में भी देखा है या और जगहों पर भी देखता हूँ, संगीत के जो भी कलाकार होते हैं चर्चा में कम बैठे, चर्चा नहीं सुने, चितवनी में नहीं बैठे, वो तो मंच पर गाए और तुरंत भाग लेते हैं, उन्हें परंपरा चल पड़ी। तो परिणाम क्या होता है, न चर्चा सुनना न चितवनी करना, तो इनके अंदर केवल संगीत का वायरस ही रह जाता है, आध्यात्मिकता से दूर हो जाते हैं। उसी तरह से जो सेवा करने वाले हैं वो सोचते हैं कि हमें सेवा ही करनी है, न वाणी पढ़नी है न चितवनी करनी है, तो भी लक्ष्य से भटक जाते हैं क्योंकि उनका हृदय भी रुखा हो जाता है। चितवनी वाले सोचते हैं कि ये तो छोटे लोग हैं, हम सेवा के लिए थोड़े हैं, हमें तो केवल चितवनी करनी है। विद्वान सोचते हैं कि हमें सेवा से मतलब नहीं है, कुछ विद्वान सोचते हैं कि हमें चितवनी करने की जरूरत ही नहीं है, चितवनी वाले सोचते हैं कि वाणी पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा बताइए, एक आंख से 5 किलोमीटर देखा जाता है तो 2 आंख से कितना देखेंगे? जब एक आंख से भी 5 किलोमीटर देखा जाता है, 2 आंख से भी 5, तो सबकी एक एक आंख फोड़ देनी चाहिए। जब इतना पता है कि दोनों आंखों की हो सकता है, 2 कानों की हो सकता है, नासिका के 2 छिद्रों की हो सकता है, तो उसी तरह से ज्ञान की भी हो सकता है, चितवनी की भी हो सकता है, सेवा की भी हो सकता है, हर वस्तु की हो सकता है। सबका अपना अपना महत्व है और हर व्यक्ति को सब कुछ करना चाहिए। जो चितवनी करते हैं उनको वाणी का चिंतन भी करना चाहिए। चितवनी और चिंतन करने वाले को हल्की फुल्की अवश्य सेवा भी करनी चाहिए, और जो सेवा करते हैं उनको भी यथा समय समय निकाल कर वाणी चर्चा सुननी चाहिए, वाणी पढ़नी चाहिए और चितवनी करनी चाहिए। एकांगी विकास से भूरा हो जाएगा, केवल सेवा सेवा करेंगे तो भी मन राजी का आनंद नहीं मिलेगा, तो मन खींच जाएगा। इसलिए जहाँ सेवक होते हैं अब तक झगड़ा भी होते हैं, और जहाँ के चितवनी वाले होते हैं वो सबको छोटा समझते हैं, जो विद्वान होते हैं वो समझते हैं कि चितवनी वाले ढोंग कर रहे हैं, सब एक दूसरे में लड़ते हैं। हमारे समाज में लड़ाई का कारण क्या है? एकांगी विकास है। यदि सब सेवा का महत्व समझे, चितवनी का महत्व समझे, वाणी के ज्ञान का महत्व समझे, मूल स्वरूप से अपना संबंध जोड़े, तो कहीं कुछ कभी नहीं रह जाएगी। योगेश्वर श्री कृष्ण यदि झूठी पतले उठा सकते हैं, सबके चरण धो सकते हैं, तो किसी भी सुंदर साथ को शारीरिक सेवा से नहीं भागना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन हम कुछ न कुछ सामर्थ्य के अनुसार शारीरिक सेवा करें, कुछ चितवनी करें और कुछ अपने।